ऐसी चीज जिससे लड़कियां बेहद प्यार करती हैं, वो है उनके बाल। हर लड़की की दिली ख्वाहिश होती है कि उसकी चोटी सबसे लंबी हो, लेकिन लड़कियों की सुंदरता में चार चांद लगाने वाली उनकी चोटी पर दहशत के काले बादल मंडराते दिख रहे हैं। दिल्ली, NCR, गुड़गांव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब UP में भी लड़कियों के मन में पैदा हुआ यह खौफ किसी लुटेरे या मनचले का नहीं, बल्कि एक चोटी काटने वाले का है। एक साया जो रात के अंधेरे में लड़कियों की चोटी को काटकर चला जाता है। दिल्ली के छाबला गांव से शुरू हुई चोटी काटने की इस रहस्यमयी गुत्थी के खौफ ने हमारी माताओं बहनों के रातों की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला गाजियाबाद के लोनी का है। यहाँ रात के अंधेरे में काल्पनिक साया ने एक नाबालिग बच्ची के दोनों चोटियां काट दी। वारदात कल रात तकरीबन 10:30 बजे की है। बच्ची के मुताबिक उसकी चोटी एक बिल्ली ने काटी। यह 11 साल की बच्ची गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहती है। रात के अंधेरे में यह लड़की जब अपनी माँ के साथ सो रही थी, तभी माँ ने बच्ची को कंबल लेने भेजा। बच्ची के मुताबिक इसी दौरान एक बिल्ली ने आकर उसके पैर पर पंजा मारा। बिल्ली को भागने के लिए वह उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन आगे जाकर वह बिल्ली कहीं गायब हो गई। और जब लड़की ने अपने बालों की ओर देखा तो उसकी दोनों चोटियां कटी हुई थी। मुस्कान, क्या हुआ था बेटा आपके साथ? यहाँ लेटी हुई थी। वो लेटने के बावजूद इसकी जो अम्मी है वो सिर्फ कंबल निकालने गई, कुंडी और लेडी भिड़ी हुई थी। ऑटोमेटिक कुंडी खुली है, खुलने के बाद में इसके सिर्फ चोटी काट। बेटा, आपने क्या देखा था जब आपके बाल कटे? एक काली बिल्ली इतनी बड़ी, मैं पैर के पंजे पे मारा तो मैंने कहा उसके मुँह में बाल थे मेरे, अब मैं उसके पीछे वहाँ तक गई। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने बाल पर ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने बाद में। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर थी और साथ ही भारी संख्या में लोग भी इकट्ठे हो गए थे। लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने इन घटनाओं को तंत्र मंत्र, जादू टोना और अनोखी शक्तियों से जोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा कबूतर को उठाने के लिए आई बिल्ली, तो ये बिल्ली के पीछे भागी, ऑटोमेटिक गायब हो गई। दूसरा ताजा मामला दादरी के खेड़ा गांव से है, जहां शीतल शर्मा नाम की एक महिला रात को अपने कमरे में TV देखने गई। कमरे में जाते ही उसको एक बिल्ली दिखी, जिसे देखकर डर गई और उनकी चीख निकल गई। चीख सुनकर पीड़िता की माँ जैसे ही कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि शीतल बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी है और उसकी चोटी कटी हुई थी। पीड़िता की माँ ने केवल बिल्ली की परछाई को देखा। घटना के बाद घर वाले पूरी तरह से डरे हुए हैं। घटना के आधे घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और पीड़िता से पूछताछ करती है। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के पिछले 3 दिनों में ऐसी 4 वारदात हुई है, जिसमें 3 घटना लोनी इलाके में हुई है। सवाल ये है कि आखिर कौन है ये गुमनाम शख्स जो बिना किसी मकसद या गुस्सा के लड़कियों की चोटी पर अपनी भड़ास निकाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।